मैं तुझे बहुत मिस करता हूँ गौरी। तू मुझे मिस नहीं करती अपने दोस्त को? मैं तेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, तेरी बकबक सुनना चाहता हूँ। मैं तुझसे दूर रह के ठीक नहीं रह पाता यार, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती है मेरे साथ, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं सुधर गया हूँ गौरी, मैं बदल गया हूँ, मैं पहले जैसा नहीं रहा हूँ। मैं तेरा दिल कभी नहीं दुखाऊंगा और कोई गड़बड़ भी नहीं करूंगा। वो क्या ना, मैंने भी फाइनल देखा नहीं। नहीं देखा मतलब? इट्स ओके, कोई बात नहीं। तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत पड़ गई? तुम शिव से मिलने जा रही थी, मुझे सच सच बता देती, मुझे उससे क्या प्रॉब्लम थी? गौरी मुझे नहीं पता कि तुम्हारे और शिव के बीच में क्या था। जो बात मेरी समझ में आई है वो ये कि आज भी वो तुम्हारी प्रायोरिटी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने इश्यूज को सॉर्ट आउट कर लो, और अगर ये बात तुम्हें समझ में आए तो देन वी कैन टॉक। मैं अपने पर्सनल इश्यूज की वजह से अभिमन्यु को सफर नहीं होने दूंगी। आई थिंक मैं ये जॉब ही डिजर्व नहीं करती। जब तक मैं अपने पर्सनल इश्यूज सॉर्ट आउट नहीं कर लेती, शायद मेरा डिसीजन लेने का वक्त आ गया है। हाँ गौरी बोलो। हाय अभिमन्यु, आपने कहा था ना कि जब तुम अपने पर्सनल इश्यूज सॉर्ट आउट कर लो तब मुझसे मिलना। मुझे रियलाइज हो गया है कि मुझे क्या करना है। मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बताओ। मुझे आपसे मिलकर बात करनी है। ठीक है, कॉफी शॉप में मिलते हैं 5 बजे। ओके मैं पहुंच जाऊंगी। बाय। तू बिल्कुल सही डिसीजन ले रही है गौरी। हे मां मदद करो। ये सही नहीं है, ये बेवकूफों वाला डिसीजन है। और यार तू गौरी से प्यार करता है और ये कांड करने जा रहा था तू। यार मैंने रियलाइज कर लिया यार कि तू सठिया गया। शट अप यार सर प्लीज। यार मैं और क्या बोलूं? यार सपोर्ट कर मुझे यार, मैं ऑलरेडी गौरी की लाइफ में ना बहुत गड़बड़ियां कर चुका हूँ। तो मैंने रियलाइज कर लिया कि मैं जो करने जा रहा हूँ वो एकदम सही है, एकदम करेक्ट है। मैं बस गौरी को खुश देखना चाहता हूँ, चाहे मुझे खुद उससे दूर क्यों ना रहना पड़े। मेरे भाई ये सब चीजें ना फिल्म्स में होती है, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता, समझा? तुझे पता है क्या, हमारे यहाँ की हिंदी फिल्में भी रियल लाइफ से इंस्पायर्ड होती है। ऐसा है तो ऐसा कौन सा इंसान है जो रियल लाइफ में पेड़ के पीछे गाने गाता है? ऐसा कौन सा रियल लाइफ का कैरेक्टर है जो? तू मेरी मदद करेगा या नहीं करेगा? मेरे पास कोई ऑप्शन है? और ये मूवीज में डायलॉग भी बोलते हैं ना, दोस्ती की है तो निभाना तो पड़ेगा मेरे दोस्त। भाभी हम लोग सोच क्या रहे हैं? झूठ कहे तो कहो, अरे एक ही बात 100 बार बताने के बाद भी फिर से वही सवाल। इसलिए कहते हैं ना मेरी बच्ची कि बादाम खाए। बादाम तो सारे आप ही खा जाते हो, मेरे लिए तो कुछ छोड़ते ही नहीं हो। फिर छोड़ो, अब फिर से बता दो, मैं लिख के रख लूंगी इस बार। अच्छा ठीक है जा, तू जाके ना जल्दी से कागज और कलम लेकर आ जा। कलम वलम छोड़ो, मैं ना फोन में ही लिख लेती हूँ। चलो बोलो। यही प्रॉब्लम है आज की पीढ़ी की। क्या? यही कि फोन स्मार्ट हो गया और खुद बेवकूफ। समझी नहीं? फोन से पूछ ले, वो ना जरूर समझ गया। अरे फोन से नहीं पूछना मुझे, आप ही समझाइए ना मुझे भाभी। अरे मेरी बुद्धू बच्ची, गौरी ना अभिमन्यु के पास शायद नौकरी का इस्तीफा देने के लिए गई है, और अगर गौरी और अभिमन्यु अलग हो गए ना तो शिव को गौरी के साथ रहने का ना फिर से एक चांस मिल जाएगा, और फिर से ना शिव तेरे से दूर हो जाएगा। मैंने अभिमन्यु को छोड़ दिया, अब मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। पक्का? यू आर राइट भाभी, आप ऐसे कैसे सोच सकती है? मतलब मेरे दिमाग में ऐसे आइडियाज क्यों नहीं आते? वो क्या है ना मेरी बच्ची कि हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। मुक्का? वो क्या मतलब? मार दे मुझे मुक्का। अरे रुक 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 रुक, नीचे रख। हम बता दे तुझे। देख मेरी बच्ची, जो तेरे पास बचा खुचा दिमाग है ना, ये सोचने में लगा कि गौरी और अभिमन्यु को ना एक साथ कैसे लाया जाए। हाय
कैसे हो सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कितना टाइम हो गया हमें मिले हुए। तुम्हें तो नई जॉब मिल गई, तुम तो भूल गए ना? नहीं नहीं संत, ऐसी कोई बात नहीं, बस वो नई कंपनी है तो इसी वजह से थोड़ा। अच्छा तो कैसा चल रहा है तुम्हारा नया काम? ठीक चल रहा है। साले चेक चेक करने के लिए फोन नहीं करा, उसे पूछ अभी मनी उसे कम लेगी। अरे मेरे बोलेगी मेरे बाप का क्या जाता है, भूमिका तो बांधने दे। अरे यार तेरे को भूमिका बांधनी है, बांध कटरीना बांधनी है, बांध ऐश्वर्या बांधनी है, बोल लेकिन पूछ। हेलो संत, तुम्हारे साथ में कोई है क्या? नहीं कोई नहीं, मेरे साथ कौन होगा, मैं और मेरी तन्हाई बस। अरे वाह, तुम तो शायर हो गए। वो गालिब के बाद तो मेरा ही नंबर लगने वाला है। वैसे कैसा है तुम्हारा नया बॉस? ठीक ही है, अच्छा है। आई मीन क्या हुआ, कुछ डाउन साउंड कर रही हो तुम? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। बोलो। बताओ ना यार, क्या है बताओ ना। क्या बताऊं, यू नो काम का प्रेशर है इसी वजह से। अच्छा ठीक है। वो अच्छा कहाँ पे हो तुम ऐसे? मैं बस यही घर के पास रोड पर। कहीं जा रहे हो क्या? सन कहीं जा रही हूँ इसीलिए रोड पर हूँ ना। मेरा मतलब था कहाँ जा रही हो? वो एक जरूरी काम से। जरूरी काम करने जा रही है? हाँ, किसके साथ? किसके साथ? वो ऑफिस के काम से। अच्छा ओ, 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 क्या हुआ? कॉकरोच, कॉकरोच था सच में, कॉकरोच था। ओके ठीक है, तो फिर मैं बाद में बात करती हूँ। नहीं 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 नहीं। क्या हुआ तुम्हें, तुम्हें कुछ कहना था? हाँ नहीं नहीं, वो मैं बाद में बोलता हूँ। ओके सर, तुम्हें हो क्या गया है? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, फिर मैं बाद में बात करती हूँ। बाय 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 बाय। ठीक है। अबे बेस्ट ऑफ लक साले।